बात ऐसी है कि लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए एक इंसेंटिव स्कीम है जिसको आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। स्कीम का नाम है IFLADP, यानी कि इंडियन फुटवेयर लेदर एंड एसेसरीज डेवलपमेंट प्रोग्राम। दरअसल ये प्रोग्राम पहले बार दरअसल शुरू हुआ था 2017-18 में और इसको 3 साल चलाया गया था। तब इस इंडस्ट्री के लिए करीब 2600 करोड़ के आसपास का खर्च जो है वो किया गया था और इंडस्ट्री को इससे काफी मदद भी मिली थी क्योंकि इसमें काफी हद तक आपके एक्सपोर्ट्स को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाया जाता है। आपके कंपनी के एक्सपोर्ट में जो इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करना है उसमें मदद की जाती है, तो इस तरह की काफी सारी मदद जो है वो की जाती है। और इंडस्ट्री का मानना है, इंडस्ट्री का कहना था कि इस प्रोग्राम को आपको आगे भी चलाना चाहिए और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि सरकार दरअसल इसके ऊपर अपना मत बना चुकी है। और इसके लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री ने दरअसल फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक चिट्ठी भी लिखी है जिसमें इसको 2021 से 2025-26 तक आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं विनती की गई है और करीब 1700 करोड़ के आसपास का खर्च जो है इस पे पूरा करने के लिए प्लान किया गया है। माना यह भी जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमिटी है उनसे इस स्कीम को अप्रूवल भी मिल चुका है। तो जाहिर सी बात है अगर इस स्कीम को अप्रूवल मिलेगा तो इस पूरे इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा फायदा होगा। करीब 1700 करोड़ के आसपास का खर्च जो इस इंडस्ट्री में अगले 4 से 5 साल में किया जाएगा। और इस पूरे स्कीम के दरअसल 6 कॉम्पोनेंट है जिसमें सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लेदर सेक्टर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज, इस तरह के करीब 6 कॉम्पोनेंट्स है जिसमें स्टेप बाय स्टेप खर्चा किया जाता है। तो इंडस्ट्री के लिए ये बड़ी खबर है। अगर इसका फाइनल अप्रूवल कैबिनेट की तरफ से आ गया तो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है और ये खबर आने के बाद आज पूरे सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो जम के तेजी देखने मिल रही है।